इस बात की दिल्ली वालों को शायद खबर नहीं, लेकिन बाहर वालों को, खास तौर पर मुंबई के फिल्म मेकर्स को यकीन है कि दिल्ली में दो दिल्ली बसते हैं। एक नई दिल्ली जहां सब कुछ फास्ट पेस है, इंटरनेट स्पीड से लेकर एस्केलेटर तक, और एक पुरानी दिल्ली जिसे दिल्ली राज्य का सबसे बड़ा गांव कहा जा सकता है। उसी नॉस्टैल्जिक पुरानी दिल्ली चांदनी चौक की कहानी है राजमा चावल। मूवी नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है, वहां पे जाके आप इसे देख सकते हैं। स्टोरी की बात करें तो पत्नी की मौत हो जाने के बाद राज माथुर अपने लड़के कबीर के साथ नई दिल्ली से पुरानी दिल्ली शिफ्ट हो जाता है। बाप बेटे के बीच कम्युनिकेशन गैप है जिसे पाटने के लिए बाप सोशल मीडिया का सहारा लेता है, लेकिन इसी के चलते कन्फ्यूजन और शहर की एंट्री होती है। शहर कई लोगों के छोटे मोटे कर्ज में डूबी मेट्रो सिटी गर्ल है जिसका एक पास्ट है और वो पास्ट बुरा है। इन तीनों के साथ साथ राजमा चावल में पुरानी दिल्ली और वहां के ढेरों किरदार देखने को मिलते हैं। फिल्म की डायरेक्टर लीना यादव को हम उनकी पिछली फिल्म पार्स्ड के चलते जानते हैं। ये फिल्म टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रीमियर की गई थी, लेकिन उनके निर्देशन में जो धार पार्स्ड में देखने को मिली वो यहाँ पर मिसिंग लगती है। एक तो कहानी के बैकड्रॉप में पुरानी दिल्ली को वैसे ही रोमांटिसाइज किया गया है जैसे हमने आंखों देखी, दिल्ली छह, विक्की डोनर, कभी खुशी कभी गम और चांदनी चौक टू चाइना जैसी हिट या फ्लॉप फिल्मों में बार बार देखा है। दूसरा, कहानी में सोशल मीडिया और यूट्यूब जैसी चीजें कहानी की थीम होने के बावजूद आउट ऑफ फोकस लगती हैं। होने को लीना अपने कॉलेज के दिनों में दिल्ली रह चुकी हैं, इसलिए कई जगह पर मूवी में दिल्ली को एज इट इज दिखाने में काफी हद तक वो सफल रही हैं, जैसे जामा मस्जिद या फिर पुरानी दिल्ली के घरों की वो छतें जो एक दूसरे से जुड़कर चलती हैं। ऋषि कपूर इस मूवी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट बनकर उभरे हैं। उनकी एक्टिंग, एक्सप्रेशंस और गेटअप कमाल के हैं। उनका अभिनय इतना एफर्टलेस है कि आपको कहीं भी नहीं लगता कि ये वो ऋषि कपूर हैं, वो तो दरअसल राज माथुर हैं। कबीर के रोल में अनिरुद्ध तंवर और शहर के रोल में अमायरा दस्तूर के अभिनय में बेशक कहीं कोई झोल नहीं है, लेकिन फिर भी लंबे समय तक याद रह जाने वाली न इन लीड एक्टर्स की एक्टिंग है न ही किरदार। शीबा चड्ढा आजकल ऑनलाइन कंटेंट में काफी देखी जा रही है, इसमें भी उनका छोटा सा रोल है और उन्होंने पुरानी दिल्ली की आंटी नेक्स्ट डोर का किरदार काफी अच्छे से जिया है। बाकी कलाकार जैसे अपारशक्ति, खुराना, हरीश खन्ना और मनु ऋषि चड्ढा भी अपने छोटे मोटे रोल के साथ न्याय करवाने में सक्सेसफुल रहे हैं। कबीर का पैशन और प्रोफेशन दोनों ही म्यूजिक है, इसके चलते फिल्म के इस डिपार्टमेंट में बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है। हितेश सोनिक की कंपोजिशन तो ओके ही है, लेकिन कहीं कहीं इरशाद कामिल के लिरिक्स उसे बेहतरीन बना देती हैं। जैसे कि जनरल डिब्बे में होते हैं जैसे पैसेंजर, सारे मर्जी के मालिक, मर्जी के मैनेजर। ओ फरीबी गीत जो रॉक स्टाइल में है आपको कहीं कहीं साडा हक की याद दिला सकता है, होने को उस क्लास को छुपाने में सफल नहीं होता। सारे गामा पा 2007 के फाइनलिस्ट राजा हसन का इस मूवी में एक छोटा सा कैमियो टाइप रोल एक म्यूजिक बैंड के चलते ही है। तो लास्ट में यही कहेंगे कि अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है और 2-2.5 घंटे का समय है तो अंत भला सो भला का परचम लहराती इस फिल्म को मूड बदलने के लिए देखा जा सकता है। शुक्रिया।